ये जो सामने गाड़ी खड़ी है ये शायद ब्लू कलर की है। नहीं, ये शायद ब्लैक कलर की है। अरे नहीं यार, ब्लैक कलर तो महिंद्रा ने दिया नहीं। नहीं, पास जाके देखता हूँ। ब्लू कलर की गाड़ी लग रही मुझे यार। साइड से देखते हैं, साइड में लाइट। अरे ब्लू कलर की गाड़ी है यार, पर एक तरफ से ब्लू कलर की लग रही है और दूसरी तरफ से ब्लैक लग रही है। एक मिनट पास जाके देखता हूँ। नहीं यार, ब्लू कलर ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज मेरे सामने खड़ी है महिंद्रा XUV 700 का AX7 वेरिएंट विदाउट लग्जरी पैक। अब विदाउट लग्जरी पैक में आपको क्या क्या नहीं मिलता, ये बहुत सारी चीज़। सबसे पहली चीज़ जो नहीं आने वाली वो है ये इलेक्ट्रॉनिक डोर हैंडल। खुद दबा के फिर ही खोल सकते हैं आप, और इसको बंद करना है तो दबा देना, वापस बंद हो जाएगा। जो हैंड ब्रेक है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं आ रहा, वो नॉर्मल हैंड ब्रेक आ रहा है। और जो सीट्स हैं बाकी सब तो नॉर्मल ही है। पीछे की तरफ देखें, वहाँ पर भी आपको बटन दबा के ही डोर खोलना पड़ेगा, और उसको दबा के ही आप बंद कर सकते हैं। हालांकि जो क्रीज है वो वैसे ही नॉर्मल है। और सीट्स को देखें तो सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। सेम ही सीट्स आ रही जो AX7 लग्जरी के अंदर आई थी, वही AX7 के अंदर आ रही है। बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको बेसिक बेसिक डिफरेंस बताने वाला हूँ जो आपको लग्जरी बैग में मिलने वाले हैं, और लेकिन इस वेरिएंट में नहीं मिलने वाला। टायर के बारे में बात करें, टायर भी सेम है। रियर में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं XUV700 के नीचे AX7 की बैचिंग। एक बात तो बोलनी पड़ेगी, जैसे ही XUV700 का दरवाज़ा क्लोज करते हैं ना भाई साहब, आवाज़ एकदम गायब। मतलब ऐसा लगता है कि कोई ऐसे कैबिन के अंदर बैठ गया जहां पर नॉइस कैंसिलेशन बहुत तगड़ी लगा रखी है। हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक दिया गया है, थोड़ा सा कर्व में दिया गया है। ये रोटरी नोब है जो इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करता है, और ये एरोप्लेन स्टाइल मस्त लगते हैं यार, कुछ भी कहो। एरोप्लेन स्टाइल बटन्स दिए गए हैं जो इंडिकेट करते हैं एयरबैग ऑफ है, पैसेंजर सीट बेल्ट ऑफ है, हैजार्ड लाइट है, रिवर्स कैमरा। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी सुंदर लगती हैं। ये है इसका बड़ा सा इंफोटेनमेंट यूनिट। अब एक और चीज़ के बारे में बात की, जो सराउंड साउंड सिस्टम है वो लग्जरी पैक के अंदर आता है, इसके अंदर नहीं आएगा। और ये फैब्रिक अपॉलिसी सेम ही है। यहाँ पर रीडिंग लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर सनरूफ को खोलने का ऑप्शन। लेकिन इससे पहले गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट यूनिट है स्टार्ट हो गया, और MID भी स्टार्ट हो गया है। क्या कलर दिखता है, मतलब लग्जरी पैक के अंदर जो MID आता है वही सेम इसके अंदर आता है, तो कोई फ़र्क नहीं है। इस बटन को दबाएंगे तो सनरूफ एक बार क्लोज हुई है, और इसको दोबारा दबाएंगे तो सनरूफ ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी खुल जाएगी। वाओ, मतलब सनरूफ यार, क्या बड़ी सनरूफ दी है। सनरूफ नहीं, स्काई रूफ, एक नया नाम है स्काई रूफ, पैनोरामिक सनरूफ का नया नाम स्काई रूफ। इस बटन को दोबारा दबाएंगे तो सनरूफ क्लोज भी हो जाएगी, और जो पीछे ब्लाइंड है वो भी आएगा। इसको रोकना है तो एक बार फिर दबा दीजिए, वो रुक जाएगा। ये AC के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप AC को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के बटन्स हैं, और यहाँ पर रिवर्स कैमरा को हम देखते हैं कैसा है। रिवर्स कैमरा देखने के लिए यहाँ से बटन दबाएंगे तो इंफोटेनमेंट यूनिट में आपको अलग अलग व्यूज़ में दिखाई देगा। अब उसमें फ़र्क क्या है, इसमें आपको दोनों तरफ के एक ही स्क्रीन के अंदर दिखाई दे सकते हैं। यानी कि पीछे की तरफ अगर आप इसको दबाएंगे तो वाइड में दिखाएगा, इसको दबाएंगे तो दोनों तरफ का स्प्लिट करके दिखा देगा। और ये जो अगर साइड में दिखाएंगे तो पीछे पार्किंग अगर आपको करनी है, पीछे थोड़ी सी बहुत जगह बची है, तो उसमें गाइड करेगा आपको। लेकिन इस बटन को दबाएंगे तो साइड में जो पार्किंग करनी होती है वहाँ पर करेगा। ये बड़ा करने का बटन है, और यहाँ पर फिर से अगर रिवर्स में छोटी जगह पार्किंग करनी है तो वहाँ के लिए बटन दिया गया है। चीज़ों के बारे में बात करें, क्या क्या आपको नहीं मिलने वाले। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें ORM के साइड में कोई भी कैमरा नहीं दिया गया है। कंटिन्यूस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी गई है। AX7 लग्जरी के अंदर 7 एयरबैग्स आते हैं, लेकिन इसके अंदर नी एयरबैग नहीं आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, यानी कि अगर आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है, अगर आपने क्रूज़ कंट्रोल इंगेज किया हो तो ब्रेक लगाने ही पड़ेंगे, अगर सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिए हैं तो। वैनिटी मिरर में इल्यूमिनेशन नहीं मिलने वाला है, और जो डोर हैंडल है वो आपको पता ही है, मैनुअली है, उसको दबा दबा के खोलना पड़ेगा। वायरलेस चार्जिंग नहीं है। बाकी सब जो चीज़ें आप देख सकते हैं कि डोर हैंडल सब कुछ बराबर है। अभी मैं आपको नॉइस कैंसिलेशन का एक डेमो करके दिखाऊंगा कि बाहर कितनी आवाज़ है और गाड़ी के अंदर कितनी ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन होती है। दरवाजे खोलता हूँ और अभी आवाज़ सुनना। वाओ, फिर से देखिएगा कि कितनी कम आवाज़ हो जाती है दरवाजे को बंद करने में। इस फिर से वाओ, मतलब एकदम आवाज़ गायब है यार। लेकिन वहाँ पर देखिए, जैसे दरवाज़ा खोला वहाँ के पेडल लैंप भी जल गए हैं। ये थोड़ा अलग लगा मेरे को, अजीब लगा कि भैया ये दरवाज़ा खोला तो चारों के चारों चला दो। ये सीट बेल्ट को एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर बटन दबाएंगे तो काफ़ी क्यूट सा है, और फंक्शनिंग काफ़ी स्मूथ है। और लेग रूम देखिए आप, कितना सही है, स्पेशियस है।
फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक बटन दबाना है और फ्यूल लिड बाहर खुल जाएगा। और ये पेट्रोल गाड़ी है जो DPF फिल करते हैं हम, के लिए कैप नहीं दिया गया। अगर डीजल गाड़ी होती तो यहाँ पर होता, सिंपल बंद करने के लिए दबाइए और लॉक हो गया। अगर गाड़ी अनलॉक है तभी खुलेगा, अगर लॉक है तो नहीं खुलने वाला। महिंद्रा का लोगो दिया है, लोगो के नीचे बूट को खोलने के लिए बटन दिया है, इस बटन को दबाते ही बूट पूरा खुल जाएगा। और उसके नीचे एक ट्रे है जिसके अंदर सारे के सारे टूल्स छुपा के रखे हुए हैं। टूल्स के साथ एक और चीज़ दी गई है, इसके नीचे टायर है उसको लोअर करने का जो बटन है, उसको गियर है उसको दिया गया है, और यहाँ पर टोइंग हुक दिया गया है। क्या टोइंग हुक दिखाई नहीं दिया आपको? ये देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर टोइंग हुक दिया गया है। अब टोइंग हुक को लगाएंगे कहाँ पर? आगे तो लगा ही सकते हैं, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि कहाँ लगा सकते हैं। अगर आप बम्पर के नीचे थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको टोइंग हुक लगाने की जगह दी गई है। ये है इसका फ्रंट प्रोफाइल। इसकी जो हेडलाइट है क्लियर लाइट विजन के साथ आती हैं, और इसका जो हाई बीम का थ्रो है वो काफ़ी दूर तक जाता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक भी है तो कहीं कहीं पर वो ऑटोमेटिकली डिम भी कर देगा उसको, लो बीम कर। आप ORM के नीचे देख सकते हैं कि कोई भी कैमरा की प्लेसमेंट नहीं है, यानी इसके लिए साइड में जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर होता है वो नहीं है। ये इसके जो इंडिकेटर हैं वो सीक्वेंशियल हैं, चारों तरफ के सीक्वेंशियल हैं। ये थोड़ा सा अलग लगता है कि AX7 के अंदर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डोर हैंडल्स नहीं आ रहे, अगर वो दिए होते तो काफ़ी मज़ा आता, ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी बन जाता। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।